हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्ट पीरियड। आज हम मेमोरी ड्राइंग सीखने वाले हैं। एट द मार्केट इस सब्जेक्ट पे आज हम मेमोरी ड्राइंग स्केच और कलर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने फिगर कैसे ड्रॉ करना है और कलर करना है ये सीखा था, उसी तरीके से ये मेमोरी ड्राइंग भी हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहले मैं वो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट मैं स्केच करूँगा इस तरह से। उसके लिए हमें पहले फिगर ड्राइंग करके लेना है। मैं ये कर रहा हूँ। मेमोरी ड्राइंग में अपना जो सब्जेक्ट रहता है उस हिसाब से हमें फिगर और बैकग्राउंड ड्रॉ करना पड़ता है। बहुत बार बच्चे जो मेन सब्जेक्ट रहता है वो बाद में ड्रॉ करके बैकग्राउंड पहले ड्रॉ करते हैं और फिगर उसमें बहुत छोटी हो जाती है। तो पहले फिगर ड्रॉ करके बाद में बैकग्राउंड ड्रॉ करना है ताकि अपनी फिगर ड्राइंग परफेक्ट हो जाए। अब यहाँ पे मैं एक लेडी अपने बच्चे के साथ मार्केट में कुछ सब्जियाँ खरीद रही है ऐसे दिखाने वाला हूँ। आपको ये ध्यान से देख के ऐसे ही ड्रॉ करना है। एक एक फिगर मैं ठीक से ड्रॉ कर रहा हूँ। हमें मेमोरी ड्राइंग के लिए 2 घंटे टाइम रहता है, तो उस हिसाब से हमें स्केच और कलरिंग के लिए टाइम डिवाइड करना है। ये मेरी पेंसिल ड्राइंग अभी कंप्लीट हो रही है। इस तरह से मेरी पेंसिल ड्राइंग कंप्लीट हुई। अब ये ड्राइंग हम ऑयल पेस्टल से कलर करने वाले हैं। देखिए, पिछली बार हमने वाटर कलर से कलर किया था, अब ऑयल पेस्टल से हम इसको कलर कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें लाइट शेड के लिए थोड़ा पेपर वाइट ही रखना पड़ेगा। ऑयल पिस्टल का एक फ़ायदा है कि वाटर कलर से जल्दी ये बन जाता है, इसको सुखाने की ज़रूरत नहीं लगती। वाटर कलर में अपना ड्राइंग डल हो जाता है या ख़राब होने की संभावना ज़्यादा रहती है, वैसे ऑयल पेस्टल में नहीं, ये जल्दी से हम कर सकते हैं। डार्क के लिए मैंने पर्सियन ब्लू यूज़ किया है। कपड़े के फोल्ड दिखाई दे रहे हैं, ठीक से करना है। अब बच्चे का शर्ट मैं कर रहा हूँ।
येलो कलर का, उसके लिए लेमन येलो और येलो अकर लिया है मैंने। इस तरह से मैंने शर्ट भी कलर कर दिया। और उसके पैंट के लिए मैं अभी रेड कलर यूज़ करने वाला हूँ। ऑरेंज लिया, ऑरेंज से मैंने लाइट कलर किया है। और इस तरह से एक 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 फिगर में कलर करते जा रहा हूँ। देखिए हर एक फिगर में मैं उसकी डिटेल कर रहा हूँ। हेड के लिए मैंने ब्राउन और थोड़ा ब्लैक कलर यूज़ किया। उसका बैकग्राउंड सब्जी का दुकान है तो टोकरी जो कुछ है और शैडो, ये सब दिखाना ज़रूरी है। कम समय में हमें मेमोरी ड्राइंग में ज़्यादा इफेक्ट लाना पड़ता है। उनकी शैडो आप जिस साइड से लाइट लेते हो ड्राइंग में, उस हिसाब से ही हमें शैडो दिखानी है। और लास्ट में हमें ब्लैक पेन या उसी ऑयल पेस्टल से आउटलाइन ड्रॉ करनी है। आउटलाइन के लिए आप ब्लैक स्केच पेन, मार्कर पेन या सीडी राइटर या ऑयल पेस्टल से भी आप वो आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आउटलाइन से आपकी पिक्चर जो है, आपकी ड्राइंग जो है वो और भी अच्छी बन जाएगी। तो इस तरह पूरी आउटलाइन करके ये ड्राइंग कंप्लीट करना है और फिर से ड्रॉ करना है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।